नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया और पहले ही दिन जिस तरह के राजनीतिक तेवर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से दिखे, उससे साफ हो गया कि यह सत्र भी हंगामेदार रहेगा। सत्र के पहले दिन उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि सरकार की कुशल और प्रभावी नीतियों की मदद से राज्य में लगभग 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाया गया है। उन्होंने साथ ही कहा कि राम मंदिर की स्थापना भारत के सांस्कृतिक गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा है। राज्यपाल ने कहा कि इसी प्रकार प्रयागराज महाकुंभ 2025 वैश्विक स्तर पर नवीन कीर्तिमान गढ़ने वाला होगा। राज्यपाल ने कहा कि बिना भेदभाव गरीबों, किसानों, महिलाओं तथा युवाओं के उन्नयन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पारदर्शी और जवाबदेह शासन तथा ईमानदार व संवेदनशील प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए योगी सरकार संकल्पबद्ध है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्र की शुरुआत के अवसर पर सभी विपक्षी सदस्यों से दलीय सीमाओं से ऊपर उठकर प्रदेश के विकास के लिए सदन में सकारात्मक चर्चा की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अयोध्या में भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सकुशल संपन्न होने की आप सभी को हृदय से बधाई देता हूँ और आज से प्रारंभ हो रहे वर्ष 2024 के उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सत्र में सभी माननीय सदस्यों का हृदय से स्वागत करता हूँ। आज से प्रारंभ हो रहे वर्ष 2024 के उत्तर प्रदेश विधानमंडल सत्र शुभारंभ के अवसर पर सभी माननीय सदस्यों का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। सत्र का शुभारंभ अभी कुछ देर बाद माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण से होगा। अभिभाषण सरकार की उपलब्धियों और भावी योजनाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है और किसी भी सत्र के वर्ष के शुभारंभ का पहला जो बिजनेस होता है वह विधानमंडल में माननीय राज्यपाल के भाषण से ही शुरू होता है। बजट सत्र है तो वर्ष 2024-25 का बजट भी इस दौरान उत्तर प्रदेश विधानमंडल में प्रस्तुत होगा और वर्ष भर के आय व्यय को लेकर के सदन में चर्चा होगी। सत्र प्रारंभ होने के पहले दलीय नेताओं से संबंधित बैठक और उससे पूर्व बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी संपन्न होकर के जो कार्य योजनाएं तय हुई हैं उसके अनुसार सरकार ने अपनी पूरी तैयारी भी की है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल 25 करोड़ जनता जनार्दन की आशा आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का एक केंद्र है। जनता से जुड़ी हुई हर सुख दुख से जुड़ी हुई घटनाओं को उल्लास और विलास विषाद से जुड़ी हुई घटनाओं का यह साक्षी है। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल पिछले 5-6 वर्षों के अंदर लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में अपनी सकारात्मक चर्चा के लिए जाना जा रहा है। सकारात्मक मुद्दों पर, विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर हर माननीय सदस्य अपनी बात को सदन में रखने के लिए उत्सुक दिखाई देता है और मैं इस अवसर पर अपने विपक्षी मित्रों से भी इस बारे में अपील करूंगा कि जो माननीय सदस्यों की भावनाएं हैं उसे दलीय सीमाओं से अलग हटकर के प्रदेश के विकास के लिए विधानसभा या विधान परिषद को हमें एक सकारात्मक चर्चा का केंद्र बनाने की आवश्यकता है और उस दिशा यह सत्र
हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सत्र होगा। राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा होगी, उसका जवाब भी सरकार की तरफ से जाएगा। बजट पर चर्चा होगी, माननीय सदस्यों को अपनी राय इन दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों पर और अनुदान मांगों पर रखने का अवसर प्राप्त होगा। इसके अलावा अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए या प्रदेश के विकास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को सदन के समक्ष रखने का भी अवसर माननीय सदस्यों को प्राप्त होगा। मुझे विश्वास है कि जो एक सकारात्मक माहौल प्रदेश के बारे में बना है, देश में, दुनिया में, उस सकारात्मक माहौल का लाभ विरोधी दल भी लेकर के एक सकारात्मक चर्चा का केंद्र विधानमंडल को बनाने में अपना योगदान देंगे। हमने कल भी दलीय नेताओं की बैठक में इस बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार हर विधानमंडल की कार्रवाई का हिस्सा बनने वाले हर मुद्दे पर चर्चा के लिए भी तैयार है और उसका जो तथ्यपरक और सही जानकारी होगी उसको सदन के समक्ष रखने और माननीय सदस्यों को अवगत कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश विधानमंडल की वर्ष 2024 के सत्र शुभारंभ के अवसर पर सभी माननीय सदस्यों को हृदय से स्वागत करता हूं। उन्हें उत्तर प्रदेश विधानमंडल की कार्रवाई को सुचारू और नियम संगत तरीके से आगे बढ़ाने के लिए उन सबका आह्वान करता हूं। लोकतंत्र के उन मूल्यों और आदर्शों के अनुरूप सत्र की कार्रवाई को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने मैं उनके सकारात्मक योगदान की भी अपेक्षा रखता हूं। और उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के 500 वर्षों के उपरांत, एक लंबे अंतराल के उपरांत भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सकुशल संपन्न होने और प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु जनों का अयोध्या धाम में आगमन और उनके सकुशल दर्शन करने के सकारात्मक माहौल का लाभ भी हमारे सभी माननीय सदस्यगण उठाएंगे, इस पूरा विश्वास के साथ मैं विधानमंडल के नए सत्र शुभारंभ के अवसर पर आप सभी का भी हृदय से अभिवादन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। वहीं विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने योगी सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए आरोप लगाया है कि विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दिया जाता है। ये जो आज का अभिभाषण हुआ है ये सरकारी दस्तावेज है जो सरकार भेजती है, जो तमाम तरह की बातें कही गई हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, ईज ऑफ डूइंग क्राइम है और जिसका परिणाम हमें आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। महिलाएं बेटियां सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। जो लोग कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस हुआ करप्शन को लेकर के, ये वो प्रदेश बन गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिसमें लोगों को न्याय के लिए आत्महत्या करनी पड़ रही है। लोग अपने ऊपर तेल डाल करके कभी थाने में जा रहे हैं, तहसील में जा रहे हैं, जो अपनी जान नहीं बचा पा रहे हैं। इस सरकार में जीरो टॉलरेंस करप्शन के लिए, जीरो टॉलरेंस जीरो हो गई है करप्शन में, जीरो जो लगातार करप्शन बढ़ रहा है। आप किसी से जानकारी कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में ऐसी लूट कभी नहीं हुई। जो लोग जीरो टॉलरेंस का नारा देते थे वो कानून व्यवस्था में जीरो हैं, भ्रष्टाचार रोकने में जीरो हैं और सच्चाई में तो ये है कि पीडीए के हक को छीनने में नंबर एक हैं, पीडीए के अधिकारों को छीनने में नंबर एक हैं, पीडीए को अपमानित करने के में नंबर एक हैं। और ये पीडीए 90% आबादी जो त्रस्त है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है, जो बेरोजगार हैं,
जो महंगाई से पीड़ित हैं, जो मजदूर जिसको नौकरी नहीं मिल रही है, वो 90% जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है। सर ये तो कह रहा है रामराज आ गया है। 90% लोगों का अगर हक छिन जाए, 90% लोगों को भुखमरी भ्रष्टाचार इससे परेशान किया जाए, क्या उम्मीद करोगे सरकार से आप? जब नौजवानों को नौकरी के लिए इसराइल जाना पड़े, जहां अभी भी युद्ध हो रहा है और ऐसी जगह भेजा जा रहा है जहां पर दूसरी ताकतें लगी हैं, खाने को नहीं मिल रहा, जहां पर वहां के जो नागरिक हैं उनको खाने के लिए सामान नहीं उपलब्ध हो रहा है, सोचिए वहां पर ये सरकार भेजने के लिए तैयार है, जहां नौजवान इसराइल जा रहे हों, वॉर जोन में नौकरी करने जा रहे हों, जो लोग कहते थे कि इन्वेस्टमेंट आएगा, जीरो इन्वेस्टमेंट आया, निवेश जीरो, अगर निवेश जीरो है तो रोजगार जीरो है। ये जो आंकड़े रोजगार के दिखाए जा रहे हैं ये सब झूठ है, फर्जी है। अखिलेश यादव का निधन हुआ है सर, मैं जा रहा हूँ उनके परिवार, दुख है कि हमारे जगजीवन बाबू जी परिवार के सदस्य थे और जीवन भर उन्होंने नेताजी की सेवा की, समाजवादी पार्टी की सेवा की, मैं उन्हें बचपन से देखता हूँ, कभी कभी जो जरूरतें कभी नेताजी से नहीं पूरी होती थी बाबूजी उन जरूरतों को पूरी करते थे, जगजीवन बाबू जी के ना रहने पर पार्टी को व्यक्तिगत बड़ा दुख हुआ है। जी, पहले बिहार और झारखंड ऐसा नहीं लग रहा है कि जो चल रहा है उसे इंडिया को, मैंने आपसे क्या कहा, आप ब्रेकिंग न्यूज चलाइए कि सांसदों की टिकट कटने जा रही है एक के सिवा, तो जो सरकार 10 साल के कामकाज के बाद अपने सांसदों की टिकट काट रही हो, टिकट कट रही हो उनकी, तो उस पार्टी से क्या उम्मीद करोगे आप? अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।